अनुशासन तोड़े है ते दीप सिद्धू ने तो काम किया जिदे नाल अंदोलन टुटे है। तीन खेती कानूनों खिलाफ चल रहे संघर्ष के लंबे समय दौरान कई उतरा चढ़ा देखने को मिले। किसानों को कई तरह के तशद्दुद भी झलने पे। मोर्चे की रणनीति तहत संघर्ष को शांतमई रखने लिए लगातार अपीलां कीतियां गईयां अते अमली तौर पर संघर्ष शांतमई भी रहा। हालांकि बीती 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का वड्डा हिस्सा शांतमई होने के बावजूद अंत ट्रैक्टर परेड हिंसक हो निबड़ी, जिसके बाबत किसान आगुआ वालों जिथे दीप सिद्धू ते संयुक्त किसान मोर्चे के प्रोग्राम वालों तय किए रूट के उल्ट 25 जनवरी की शाम को अलग रूट और समा नियुक्त करके संघर्ष को अड दिशा देन अते भटकाउण दे दोष लगे। उत्थे ही पुलिस की कारगुजारी से सवाल चुकदिया किसान आगुआ ने इस नू भाजपा सरकार की चाल भी दस्या। अमृतसर विखे तख्त श्री दमदमा साहिब पहुंचे गुरनाम चडूनी ने दीप सिद्धू के संघर्ष को नुकसान करने के दोष लाउंदिया कहा संयुक्त किसान मोर्चा कदे भी दीप सिद्धू के नाल मिलकर नहीं चलेगा। लखा सिधाणा नू नाल लैके चलन ते उन्हां कहा कि लखा सिधाणा वालों सिर्फ अनुशासन तोड़ा गया सी जो माफ किया जा सकता है, पर दीप सिद्धू ने किसानी संघर्ष को धार्मिक रूप देने की कोशिश की जिस करके धार्मिक दंगे भी भड़क सकते सन। एक किसान मोर्चे का जो कल आया बयान कि लखे सिधाणे नूं नाल लेके चलांगे की लगता जी कि दीप सिद्धू ना भी कोई आने वाले समय कुछ नहीं दीप सिद्धू नाल नहीं हो सकती। लखे सिधाणे ते दीप सिद्धू थोड़ा जा अंतर ये है कि लखे सिधाणे ने अनुशासन तोड़े है ते दीप सिद्धू ने वो काम किया जिदे नाल अंदोलन टुटे है। अंदोलन टुटे है ते पूरा जेड़ा है आपस च धार्मिक दंगे भड़क चले सी उस मालिक ने बचाले ठीक है ते इन दोवां च बड़ा अंतर है। इस करके दीप सिद्धू नाल फिर ये होया सी भी चलो कोई गल नहीं बथेरा उन्हें झटका पै लिया हुण नेड़े ला लईए क्योंकि अंदोलन मकसद सारयां दा अंदोलन लड़ना है ते कोई गलती हो जाती है तो वो बिच बह के वो थोड़ा जा हो गया उन्होंने मन लिया भी चलो साड़ी गलती हुई है या अगे तो असीं नहीं करांगे तो वो नेड़े लग गए।